टिकल सर्कुलर क्वाइल्स मेड फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग मेटीरियल प्लेस को एक्चुअली वेरी क्लोज टू अदर आप डायग्राम फॉलो कर सकते हो यहां पे दो क्वाइल हैं सुपर कंडक्टिंग मेटीरियल की बनी हुई और इनको हम लोगों ने बहुत पास रख दिया ऑलमोस्ट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर द इंडक्टेंस ऑफ इच ऑफ द क्वाइल इज इक्वल टू कैपिटल एल एंड ईच ऑफ दम कैरीज करेंट कैपिटल आई नॉट इन सेम डायरेक्शन दोनों क्वाइल आइडेंटिकल है जोमेट्रिकल डायमेंशन सेम है और इनका जो सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू है अगर क्वेश्चन में इंडक्टेंस अकेले मैं तो बाई डिफॉल्ट उसका मतलब होता है सेल्फ इंडक्टेंस तो सेल्फ इंडक्टेंस दोनों क्वाइल का है कैपिटल एल कैपिटल एल और करेंट सेम सेंस में फ्लो हो रही है कैपिटल आई नॉट वी नीड टू फाइंड द मिनिम अमाउंट ऑफ द वर्क कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को दोनों के सेपरेशन का बहुत लार्ज करने का मतलब है कि जब दोनों क्वाइल के इंडिविजुअल फ्लक्स एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर रहे हो उस टाइम के सिचुएशन तो यहां पे हमें मालूम करना है टोटल वर्डन हमें कितना करना पड़ेगा इस सिचुएशन को एनालाइज करने से पहले हम लोग यहाँ पे जो थ्योरी एसोसिएटेड है उसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं वी नो टोटल एनर्जी ऑफ द टू क्वाइल सिस्टम इज द समेशन ऑफ द सेल्फ एनर्जी एंड इंट्रेक्शन एनर्जी हम लोग इसे लिख सकते हैं U इक्वल टू वन बाई टू एल वन आई वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू एल टू आई टू स्क्वायर प्लस एम आई वन आई टू और इसमें ये वाला जो एक्सप्रेशन है सेल्फ इंडक्टेंस से एसोसिएट एल वन एल टू हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस और एम है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस तो जो सेल्फ इंडक्टेंस के साथ एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं उसको हम लोग कहेंगे सेल्फ एनर्जी और जो कैपिटल एम के साथ एसोसिएटेड पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंट्रेक्शन एनर्जी ओके और यहां पे इस फॉर्मुले में जो कैपिटल एम जो एपियर हो रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कैपिटल एम है

और यहां पे जो k है दिस इज द द ऑफ कपलिंग और इसकी जो वैल्यू होती है जीरो और वन के बीच में कुछ भी हो सकती है अगर जीरो ना कर रही हो दैट हूं देर इज नो लिंकेज ऑफ द फ्लक्स और के वैल्यू वन हम लोग तब लेंगे जब हमारे पास दोनों क्वाइल के बीच में हंड्रेड परसेंट लिंकेज हो दैट मीन वो हंड्रेड परसेंट इंटरेक्ट कर रही हूं स जो एक क्वाइल का फ्लक्स है दूसरी क्वाइल के साथ 100% परसेंट एसोसिएटेड हो तो k इक्वल टू जीरो जब इंटर ना कर रही हो और k इक्वल टू वन जब वो हंड्रेड परसेंट हो लेकिन हमारे पर्टिकुलर केस में गिविन था आर वेरी क्लोज टू अदर इट मीनस देर इज 100% परसेंट लिंकेज ऑफ द फ्लैक्स और अगर 100% परसेंट लिंकेज ऑफ द फ्लैक्स है तो k इज इक्वल टू वन लेंगे यहां पे k की वैल्यू वन लेंगे साथ साथ हमें यहां पे गिवन है कि दोनों क्वाइल्स हैं आइडेंटिकल और दोनों के सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू सेम है तो यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोग लिखेंगे M 1 के अंदर L L और ये कैलकुलेट करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू एल के बराबर कैपिटल एल के बराबर आ जाएगी दैट मीन द कोफिशिएंट द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द क्वाइल्स इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल अब हमें यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की वैल्यू मालूम है हमें ये भी मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं अब अगर हमें पे वर्डन वर्डन मालूम करना है बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर सेपरेटिंग द कॉइल तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे W एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन इंट्रेक्शन एनर्जी चेंज इन टोटल मैग्नेटिक एनर्जी तो W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा और डेल्टा यू इज द फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी फाइनल माइनस यू इनिशियल और जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी इंट्रेक्टिंग क्वल की लिखते हैं वन बाई टू एल वन आई वन स्क्वायर प्लस वन बाई टू एल टू आई टू स्क्वायर प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई आई वन आई टू हमें गिवन इन है एल वन इज इक्वल टू एल टू इज इक्वल टू कैपिटल एन और दोनों की करेंट भी सेम है हम लोग ये वैल्यू सब्टीट्यूट करें एल वन एल टू और आई वन आई टू और कैपिटल एम हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज इक्वल टू कैपिटल एल एम की वैल्यू कैपिटल एम की वैल्यू तो यहाँ पे मैं वैल्यू सब्टीट्यूट कर देता हूँ और यहां से हमें आ जाएगी इनिशियल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल सिस्टम ये हमारे पास आ गई ये एल की वैल्यू एल वन की जगह एल एल वन की जगह आई नॉट आई नॉट और ये कैपिटल M की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी टू एल आई नॉट स्क्वायर और इसको बना दी इक्वेशन नंबर वन ओके अब हमें यहां पे मालूम करनी होगी फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द क्वाइल सिस्टम और अगर हमें फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों क्वाइल्स को हम लोग बहुत लार्ज डिस्टेंस में कर देते हैं दैट उस समय दोनों क्वाइल एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते दैट मीन्स देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द क्वाइल्स और अगर दोनों क्वाइल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे जो म्यूचुअल इंट्रेक्शन एनर्जी का टॉर्म है ये जो कैपिटल एम है उसको यहाँ पे इग्नोर कर देंगे दैट मीन्स टोटल मैग्नेटिक एनर्जी शुड बी द समेशन ऑफ देयर सेल्फ एनर्जीज तो दोनों की सेल्फ एनर्जी का समेशन होगा फाइनल मैग्नेटिक एनर्जी दैट इज यू फाइनल साथ साथ हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि अगर दोनों क्वाइल्स को हम लोग सेपरेट करेंगे एक दूसरे से दूर दूर करेंगे तो उस समय दोनों क्वाइल्स में करंट फ्लो होगी इनिशियल करंट तो हम लोग को मालूम था दोनों क्वाइल एक दूसरे के पास रखी हुई थी तो आई नॉट आई नॉट करेंट फ्लो हो रही थी लेकिन अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा एसोसिएटेड विद द क्वाइल्स पर दोनों क्वाइल के साथ फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या हुआ दोनों क्वाइल में जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इनिशियल करंट तो अगर हम लोग यहां पे किसी पर्टिकुलर टाइम में सपोज सेपरेशन कुछ हो गया दोनों क्वल्स के बीच का अगर हम लोग यहां पे करंट डिफाइन करें बिकॉज दोनों क्वाइल आइडेंटिकल है जोमेटिकल डायमेंशन सेम है दैट मीन एल वन एल टू की दोनों की वैल्यू सेम है तो हम लोग कहेंगे किसी भी टाइम में कहीं पे भी किसी भी सेपरेशन में आई वन आई टू की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी हम लोग यहां पे एज्यूम कर लेते हैं कि करंट इन एनी ऑफ द क्वाइल आई इज इक्वल टू डिवाइडेड रेजिस्टेंस किसी भी टाइम में करंट नंबर नंबर हो हो या हो, दोनों में करंट की वैल्यू डिवाइडेड बाई आर ई इज दूस क्यों ई एम एफ इंड्यूस होगा फ्लक्स चेंज होगा अब क्वेश्चन में हम लोगों को गेविन है कि क्वॉल्स आर मेड ऑफ द परफेक्टली कंडक्टिंग मेटीरियल सुपर कंडक्टिंग मेटीरियल की बनी हुई है

तो हम लोग अगर यहाँ पे कहें इफ आर टेंस टू जीरो ईट शुड आल्सो टेंस टू जीरो तभी हमारे पास आई की वैल्यू फाइनाइट होगी अगर हम लोग ई e की वैल्यू टेंस टू जीरो कर रहे हैं और हमारे पास एक्सप्रेशन मालूम है Indusimap की मैग्नीट्यूड का बाय ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टू ये हमारे पास रिलेशन है एंड हियर हिई टेंस टू जीरो वाला जो फैक्टर है ई टेंस टू जीरो है और अगर ई टेंस टू जीरो होगा तो फाइव शुड बी कॉन्स्टेंट फ्लक्स एसोसिएटेड एनी ऑफ द क्वाइल शुड बी कॉन्स्टेंट क्योंकि हम लोग यहाँ पे डिफरेंसिएट कर रहे हैं और डिफरेंसिएशन तभी जीरो होगा हो जब ये वैल्यू कॉन्स्टेंट होन मेक ए जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर द सुपर कंडक्टिंग लू हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फॉर ए परफेक्टली कंडक्टिंग और परफेक्टली सुपर कंडक्टिंग क्वाल फ्लैक्स शुड ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट किसी भी सुपर कंडक्टिंग लूप के लिए फ्लक्स की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी इसको हम लोग जर्लाइज स्टेटमेंट कह सकते हैं तो अब हम लोग अपने सिचुएशन में लौटते हैं इनिशियली आर वेरी नियर टू ईच अदर और फाइनली हमने इनको लार्ज सेपरेशन में कर दिया था इनिशियली दे आर प्लेस वेरी नियर टू ईच अदर करोट आई नॉट एल वन एल टू और ये दोनों की वैल्यू कैपिटल एल के बराबर थी और फाइनली सेपरेशन लार्ज हो गया इस समय जब सेपरेशन लार्ज हो गया तो दोनों क्वाइल के फ्लक्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे ओके okay? अब जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्लक्स की वैल्यू सुपर कंडक्टिंग मेटीरियल का जो लूप होगा उसमें फ्लक्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी तो फ्लक्स की वैल्यू जो क्वाइल नंबर वन की बात करें या क्वाइल नंबर टू की बात करें इनिशियल सिचुएशन में और फाइनल विन सेपरेशन इज वेरी लार्ज शुड बी सेम

करंट इन क्वाइल्स इज आईड क्योंकि आइडेंटिकल है तो करंट की वैल्यू आइडेंटिकल होगी के साथ अगर मैं flux लिखूं तो ये flux हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाई आस और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी एल मल्टीप्लाइड बाई आईड देर विल बी नो फ्लक्स ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हाई बिकॉज लार्ज

आईडेस तो की वैल्यू आ जाएगी आई डे शुड बीवल टू टू आई नॉट आई डेयर इज ऑल्सो टू आई नॉट दीन्स वेपरेशन बिटवीन द्वाइल दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे उस समय सेपरेशन बहुत लार्ज होगा एंड दैट टाइम करंट फ्लोइंग इन एनी ऑफ द क्वाइल्स शुड बी इक्वल टू टू आई नॉट तो करंट यहां पर भी टू आई नॉट होगी और करंट इस वाली क्वाइल में भी टू आई नॉट होगी अब फाइनल करंट की वैल्यू आ गई और जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फाइनली बिकॉज ऑपरेशन इज वेरी लार्ज बोथ क्वेल्स आर नॉट इंट्रैक्टिंग थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस तो जो एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी बिकॉज ऑफ सेल्फ एनर्जी सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से एनर्जी होगी सो हियर वी कैन राइट यू फाइनल इक्वल टू वन बाई टू एल वन आई वन स्क्वायर प्लस एल टू आई टू स्क्वायर ओके अब यहां पे फाइनली तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली आई वन और आई टू की वैल्यू टू आई नॉट

एंड यू इनिशियल की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी दिस इज टू एल आई नॉट स्क्वायर नंबर वन अब यहाँ पे इनिशियल एनर्जी स्टोर इन दिस्टम और फाइनल एनर्जी स्टोर इन दिस्टम सब टेक्ट कर देते हैं ये वैल्यू आ जाएगी टू एल आई नॉट स्क्वायर दैट मीन्स वर्ड एन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर सेपरेटिंग गोथ दार्ज डिस्टेंस टू टू एल आई नॉट स्क्वायर डीएर Sangez India has launched the new edition of our G Advanced Physics books. Please visit www.sangez.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.